क्या शादी से पहले कुंडली मिलानी ज़रूरी है? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुंडली कैसे मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है, कुंडली मिलाने के लाभ हैं भी या नहीं हैं, और आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि कुंडली में क्या योग ऐसे होते हैं जो कि परेशान भी करते हैं अगर ठीक से कुंडली ना मिलाई जाए। तो कुंडली मिलान, जिसको मेला पाक भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कुंडली मिलान का मतलब है कि जो 36 गुण बताए गए हैं, अगर मैं गुणों की व्याख्या करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 36 तरह के गुण बताए गए हैं, उन गुणों का जब मिलान किया जाता है वर और वधु का, तो उसको मेला पाक कहते हैं या गुण मिलान कहते हैं। और वो 36 में से देखा जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं, मतलब जैसे पासिंग मार्क्स होते हैं 36, अब उसमें से कितने मार्क्स आए हैं वो बताया जाता है। ये तो आजकल गूगल भी कर रहा है, ऑनलाइन भी इजीली आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो कुंडली मिलान करके दे देते हैं। परंतु कुंडली मिलान में प्रॉब्लम यह है कि उसमें जन्म लग्न या चंद्र लग्न या फिर कोई भी नवमांश कुछ नहीं देखा जाता, उसमें केवल देखा जाता है गुण। अब एक गुण जो है बहुत छोटा सा पार्ट है। आप ये मानिए कि कुंडली अगर 100% है तो गुण उसमें केवल 5% है। तो हम 5% चीज़ें देख के हम ये निर्णय कर रहे हैं कि कोई लड़का या लड़की उपयुक्त है शादी के लिए या नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, और इससे आगे जाके भी कुछ देखना चाहिए। तो कुंडली को मिलाने से बेहतर ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या प्रोस्पेक्टिव वाइफ की कुंडली का एनालिसिस कर लें और जान लें कि उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या स्टेटस रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका करेक्टर खराब होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाके डाइवोर्स होने की संभावना है उनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से। कुंडली मिलान जो ये कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं ये बिल्कुल यूजलेस है। जो ये गूगल पे और ज्योतिष के ऐप्स में डाल के जो मिलान हो रहा है बिल्कुल यूजलेस है। इस मिलान के बेस पे आप अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन लेने से बचें, और ये बात अपनों को भी बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को भी बताएं कि कुंडली मिलान करने की जगह अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या प्रोस्पेक्टिव वाइफ का आप हॉरोस्कोप एनालिसिस करें। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर 7वें भाव का संबंध 6ठे, 8वें या 12वें भाव से हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि लड़ाई झगड़े होंगे आपस में, या फिर मन मुटाव हो सकते हैं, या सेपरेशन भी हो सकता है। मतलब ये जनरल बात तो नहीं है, परंतु फिर भी एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है, सो दैट आपको उनके जीवन के बारे में इनसाइट्स मिल पाएँ, आप जान पाएँ कि आपका जो जीवन साथी होने जा रहा है वो उस लायक है भी या नहीं, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि आपको भविष्य में कोई दुख सहने पड़े। शादी पूरे जीवन का सवाल होता है, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते कि चलिए हमने 36 गुण मिलान कर लिए और बात खत्म हो गई। कई बार ये भी सुनने में आता है कि गुण तो हमारे 36 मिले थे परंतु 36 का आंकड़ा भी है, आपस में 2 मिनट साथ में बैठ भी नहीं सकते, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा रहता है। आप किसी और विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वो घंटी वाला बटन दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।